हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ को। थोड़ी सी ज़्यादा हैं क्योंकि बच्चे 15 अगस्त के कारण कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, तो दोनों दिनों की न्यूज़ को इंक्लूड करके आज का सेशन बनाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहली न्यूज़ बच्चे देखिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, बहुत बार आप लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, कई बार मैसेज भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये है आपका ट्राई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के द्वारा एक न्यूज़ या फिर कह सकते हैं कि घोषणा की गई है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, स्पेम कॉल्स की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं जिसका कि कोई रिलीवेंस नहीं होता है आपके किसी भी चीज़ से, तो ऐसी रिलीवेंट कॉल्स पे क्या करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए बच्चे आपका एक बड़े कदम के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के द्वारा सभी सेवा प्रदाताओं को सभी अपंजीकृत प्रेषकों और टेली मार्केटर्स से आने वाली वॉइस प्रमोशनल कॉल, चाहे वे पूर्व रिकॉर्डेड हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर जनित हो या फिर कोई भी और प्रकार से है, उन्हें जो है आपका रोकने का निर्देश दिया गया हो। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, ये एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी होती है। बहुत सारी ऐसी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो है आपकी कंपनियाँ होती हैं, फर्म होती हैं, जिनके द्वारा आपको जो है आपका या तो रिकॉर्डेड वे में या फिर कोई कॉल करके जो है अपनी कंपनी का या फिर अपनी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं, है ना। देखा तो होगा सभी लोगों ने, तो कई बार जो है आपका सामने वाला जो है आपका रिकॉर्डेड वॉइस नोट भेजता है या फिर कई बार जो है आपका कोई व्यक्ति ही जो है अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहा होता है। ठीक है, तो बच्चे ये जो आपकी चीज़ें हैं ये स्पैम कॉल को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, और इसीलिए जो ट्राई है, ट्राई ने कहा है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, अगर कोई अपंजीकृत प्रेषक है या फिर टेली मार्केटर्स हैं, उनके द्वारा इस तरीके की कॉल्स अगर की जा रही हैं, तो उन सारी कॉल्स को जो है आज से ही तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने भी कई बार रिसीव क्यों इस तरीके की कॉल जो है, प्रमोशनल स्ट्रेटजी होती है बच्चे कंपनियों की, लेकिन जो रजिस्टर्ड टेली मार्केटर्स हैं उनके द्वारा तो किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर है, मतलब अगर इस तरीके से अगर आपको अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो आपको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसका बच्चे आपका डिक्लेरेशन है, याद रखना, ट्राई के द्वारा ही आपका डिक्लेयर किया गया है। देखिए, दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले अपंजीकृत प्रेषकों, अपंजीकृत टेली मार्केटर्स के द्वारा की जाने वाली सभी प्रचारात्मक वॉइस कॉलों को तत्काल रोक दिया जाएगा। ऐसे प्रेषक को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए काली सूची में यानी कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उनका जो भी आपका प्रोग्राम है उसे 2 साल के लिए जो है आपका बैन कर दिया जाएगा। उस कंपनी को, उस टेली मार्केटर्स कंपनी को जो है आपका वो 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है ना अभी टेम्परेरीली, वो आपको पूछा जा सकता है 2 साल का है। और किसके द्वारा ये घोषणा की गई है, ये किया गया है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ट्राई के द्वारा। ठीक है, ट्राई के बारे में बच्चे बाकी चीज़ें याद रखिएगा, ये 1997 में बनी एक संस्था है। इसे जो है आपका एक्ट के तहत बनाया गया है, इसे जो है आपका एक अधिनियम के तहत बनाया गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब भी कोई संस्था होती है जिसे अधिनियम के तहत बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है आपका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है, ठीक है, विनियामक निकाय भी है, और साथ में जो है आपका वैधानिक भी है, कानूनी भी है, क्योंकि इसे किसी कानून के तहत बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है इसे, टू क्रिएट एंड नर्चर कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। ठीक है, हमारे भारत में बच्चे आपका जो टेली कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग की जो इंडस्ट्री है, उसको जो है आपका हेल्दी एनवायरनमेंट में फलने फूलने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये विनियमित करती है, इस तरीके से जो है आपका ये क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है, और उसके बाद में इस तरीके से डिसीजन लेती है। ठीक है, तो ये जो है आपका डिसीजन है ट्राई का, याद देखिएगा इसे। ठीक है, अगला है
साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ है, इंडियन एयरफोर्स के लिए है, ठीक है। और डीआरडीओ ने जो है आपका एक और कारनामा करके दिखाया है। डीआरडीओ ने क्या किया है बच्चे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एम के आई लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम, जिसका नाम रखा है इन्होंने गौरव, ठीक है, इसका पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, एक ग्लाइडेड बम है, ठीक है, एक ग्लाइडेड बम है। ग्लाइडेड बम का मतलब क्या है, जो इस तरीके से जो है आपका, ये आपको दिख रहा है ना बच्चे, जो बड़ा जहाज है वो आपका सुखोई है, ठीक है। सुखोई के नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटा सा येल्लो कलर का जो आपका ये दिख रहा है ना, ये जो मिसाइल नुमा जो आपको चीज़ दिख रही है, ये ग्लाइडेड बम है, ठीक है। उड़ते हुए जाएगा और जहाँ पर इसे छोड़ा जाएगा वहाँ पर एक्सप्लोड हो जाएगा, है ना। तो ये ग्लाइडेड बम है और इस ग्लाइडेड बम को जो है सुखोई 30 से छोड़ दिया गया है और सफल रहा है परीक्षण, ठीक है। तो डीआरडीओ ने ये किया है बच्चे, याद रखने की, गौरव क्या है, ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज का, पूरा नाम देखिए इसका, LRGB, L का मतलब है लॉन्ग, R का मतलब है रेंज, GB का मतलब है आपका ग्लाइडेड बॉम्ब, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बॉम्ब है, नाम इसका गौरव रखा गया है और इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। दूसरा इसके बारे में याद रखना कि इसे कहाँ से भेजा गया था, मतलब इसका जो सफल परीक्षण किया गया है कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि गौरव है क्या, तो गौरव याद रखना बच्चे, एक हवाई प्रक्षेपित लगभग 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइडेड बम है, जो कि लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, ठीक है, ये याद रखना। बाकी बच्चे, ये जो डीआरडीओ ने काम किया है, डीआरडीओ के साथ में इस ग्लाइडेड बम को डेवलप करने के लिए जो है बाकी कंपनियां भी थी, तो बाकी कंपनियां भी जो है इसके जब लॉन्चिंग हुई थी वहां पे जो आपकी मौजूद थी। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, एक आपकी अडानी डिफेंस है और एक आपका भारत फोर्ज है, ठीक है। तो भारत फोर्ज और आपका जो अडानी डिफेंस है, इन दोनों कंपनियों के द्वारा भी इसे जो है डेवलप करने में हेल्प की गई, ठीक है। तो दोनों कंपनियों का नाम, डीआरडीओ का नाम और साथ में जो नया हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो गौरव है, ये क्या है, एक LRGB है, यानी कि लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बॉम्ब है, और कौन से हवाई जहाज़ से इसे किया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स का ये जो आपका सुखोई 30 MK1 है, फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट से जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, स्पोर्ट्स रिलेटेड है और भारत की जो पैरालंपिक टीम है, अब हमारा ओलंपिक तो समाप्त हो चुका है, इस बार का जो पैरालंपिक है वो आपका अगेन पेरिस में ही होगा, है ना। तो पेरिस में जब बच्चे पैरालंपिक शुरू होगा तो ऑब्वियस ही बात है भारत के भी बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है प्रमोद भगत, ठीक है, बहुत फेमस प्लेयर है प्रमोद भगत, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जो है, जो पिछला ओलंपिक हुआ था ना टोक्यो ओलंपिक, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो प्रमोद भगत पैरा शटलर को लेकर के एक न्यूज़ आ रही है और ये न्यूज़ ये है कि बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा प्रमोद भगत को एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 18 महीने के लिए बैन कर दिया गया है, इनका निलंबन हो गया है बच्चे, ठीक है, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, जिसके चलते जो अभी 2024 का पेरिस पैरालंपिक होने वाला है इसमें ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इसमें ये नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो प्रमोद भगत से रिलेटेड बच्चे आपको न्यूज़ पूछी जा सकती है, आपको पूछा जाएगा इनका संबंध कौन से खेल से है। तो याद रखना जो है आपके ये पैरा शटलर है, यानी कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या है, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये याद रखना। बाकी जो है, जब ये बच्चे पेरिस ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे तो इनकी पुरानी उपलब्धि आपको पूछी जा सकती है, तो वो भी आपको याद रखना है कि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खिलाड़ी का नाम इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी का खेल इंपॉर्टेंट है, और जो डिसीजन लिया गया है उनके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए आपका एक टाई अप हुआ है आपका, आपने NPCI का नाम सुना होगा। NPCI जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसे जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भीम ऐप का कई बार आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, जैसे बच्चे हम जीपे का, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे जो है आपका मनी ट्रांजेक्शन के लिए भीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। भीम की फुल फॉर्म भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसका नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, ये भीम ऐप है। भीम ऐप क्या है, एक सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल जो है आपका मनी को ट्रांजेक्ट करने में जा सकता है, ठीक है, मतलब जो हम डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं ना उसके लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी क्या हुआ है, NPCI के द्वारा भी एक डिसीजन लिया गया है, उन्होंने कहा है कि जो भीम ऐप है, ये जो आपका भीम ऐप है ना, ये सर्विस जो भीम दे रहा था अभी तक, वो पूरी तरीके से जो है आपका अब किसके अंडर में होगी, NPCI के अंडर में होगी, यानी कि NPCI ने इस कंपनी को पूरी तरीके से ओन कर लिया है, यानी कि खरीद लिया है। तो जब बच्चे भीम को खरीद लिया गया है तो भीम के बारे में आपको पूछा जाएगा कि इसका नया नाम क्या है, तो बच्चे नई कंपनी जो बनी है ना उसका नाम है NPCI
NPCI भीम सर्विस लिमिटेड, ठीक है, भीम का भीम ही है, NPCI NPCI है, बस दोनों को ऐड करके जो है आपका NPCI भीम सर्विस लिमिटेड बन गया है। और जो अभी इस कंपनी के जो नई कंपनी बनी है, इसके जो CEO बने हैं उनका नाम आपको पूछा जा सकता है, ललिता नटराज इनका नाम है, ठीक है। तो ललिता नटराज को जो है इसका CEO बनाया गया है और NPCI के द्वारा भीम का पूर्ण स्वामित्व क्या कर दिया गया है, हासिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, भीम से रिलेटेड है, NPCI से रिलेटेड है। और ये आपको दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि भीम का नया नाम क्या है, या फिर भीम जो कंपनी थी आपकी, जो मोबाइल एप्लीकेशन था, इसे कौन सी कंपनी ने ओन कर लिया है। तो NPCI के द्वारा जो है इसे खरीद लिया गया है, ओन कर लिया गया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये भी इंडिया से ही रिलेटेड है और ये अभी पूरी डेवलप न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो भी जितना भी आया है अभी पार्ट वो मैं आपको बता दी हूँ। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं NAL इसके रक्षा प्रौद्योगिकी में एक अभूतपूर्व विकास का अनावरण किया है। क्या किया इन्होंने, इन्होंने बच्चे पूरी तरीके से भारत में बना हुआ कामिकेज ड्रोन बनाया है, ठीक है। अब ये जो कामिकेज ड्रोन है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने बच्चे जो अभी तक ये कामिकेज ड्रोन है ना, हमने रसिया से खरीदे थे, ठीक है। अब ये जो कामिकेज ड्रोन है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये याद रखना कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, ठीक है, जो आपकी लैब है बच्चे, इन्होंने जो है आपका पूरी तरीके से भारत में निर्मित, ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी निर्मित कामिकेज ड्रोन बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अभी इसका अनावरण नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ आपकी डिक्लेरेशन हुई है। उसके बाद में क्या है, स्वदेश निर्मित इंजनों से सुसज्जित ये मरने मारने वाले ड्रोन, इसे डू एंड डाई ड्रोन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, इसे डू एंड डाई ड्रोन कहा जाता है। और ये इसकी जो क्षमता है वो क्या है बच्चे, ये हवाई वाहन है, लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और भारत की जो आपका रक्षा क्षमता है, ये हमारी जो डिफेंस कैपेसिटी है, उसमें जो है आपका एक और बड़ी पावर जो है इंक्लूड हो गई है, ठीक है। अब जानते हैं कि कामिकेज ड्रोन होता क्या है, इसे डू एंड डाई क्यों कहा जाता है। ये बच्चे आपका जो कामिकेज ड्रोन है ना, ये एक तरीके से जो है चलता फिरता या फिर उड़ता हुआ हथियार है, ठीक है। ये जो है क्या है, एक उड़ता हुआ हथियार है, एक लॉयटरिंग म्यूनिशन है, ठीक है। और इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, इसे कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है, इसे एक्सप्लोडिंग ड्रोन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एक ड्रोन है, लेकिन ड्रोन कैसा है, उड़ता हुआ वेपन है बच्चे, ठीक है, एक हथियार है, हथियार पे पहिए लगा दिए हैं और उसे जो है आपका जहाँ पे टारगेट करना है वहाँ तक ये उड़ करके जाएगा और अपनी अपना जो भी टारगेट होगा उसको पहले निगरानी करेगा, कहाँ पे उसे जाना है, फूटना है, वहाँ पे उसके बाद में जा करके वो विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, कामिकेज ड्रोन, कामिकेज जो नाम है ना बच्चे, ये आपका रसिया का दिया हुआ है, इसीलिए इसे जो है आपका कामिकेज ड्रोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसके जितने भी नाम आपको बताया मैंने, कामिकेज ड्रोन हो गया आपका, सुसाइड ड्रोन हो गया आपका, एक्सप्लोडिंग ड्रोन हो गया आपका, ठीक है, या फिर डू एंड डाई ड्रोन हो गया आपका, ठीक है, सारे के सारे इसी के नाम है। एक सुसाइडल ड्रोन है, मतलब ये जाएगा वापस नहीं आएगा, जाएगा और फूट जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये भारत ने बना लिया है, भारत ने जो है इसकी घोषणा करी है, घोषणा की गई है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा कि ये जो है हमने बना लिया है भारत में, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है, न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे पड़ोसी देश से रिलेटेड बच्चे, जैसे आपने देखा कि बांग्लादेश में जब से जो है आपका आंतरिक जो अशांति फैली हुई है उसके कारण आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी कि भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहाँ पे जो है आपका बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कि भारत आने को तैयार हैं, है ना, वो बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते हैं, या इस तरीके की चीज़ें जो है आपकी हो रही हैं लगातार, जो है आपका बांग्लादेश पूरी तरीके से अशांति में अभी है, मतलब वहाँ पे जो आपका सिनेरियो हुआ था, प्रेजेंट नई प्रधानमंत्री बनाई गई, नई जो है अंतरिम गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई गई, ठीक है। तो अभी जो है स्थिति को शांत होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक के लिए जो है ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हाल ही में क्या हुआ है, थोड़ा सा उस न्यूज़ से ही रिलेटेड आप लोग इसे कह सकते हैं, अभी क्या हुआ बच्चे, झारखंड में ना हजारीबाग नाम का एक जिला है, ठीक है, झारखंड में हजारीबाग नाम का जिला है, यहाँ पे एक ऐसी प्रजाति का गिद्ध पाया गया है जो कि एक लुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजाति मतलब समझते हैं ना, जो बहुत बुरी तरीके से इंडेंजर्ड होती है, ठीक है। तो एक सिक वल्चर पाया गया, इंडेंजर्ड स्पीसीज पाई गई, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो है बच्चे, इस गिद्ध के पैर में ना आप लोग देखेंगे इस तरीके से जो है आपका मेटल, ये जो पैर में ना एक मेटल की जैसे रिंग होती है ना हम लोग फिंगर में पहनते हैं, उस तरीके से जो है आपका यहाँ पे मेटल की रिंग मिली है इसके पैर पे, और उस धातु के छल्ले पे जो है आपका वो ढाका लिखा हुआ था। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली अगर आप लोग देखेंगे तो गिद्ध पर जो है आपका एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है जिसपे आपका GPO बॉक्स 6264 ढाका B67 इस तरीके से जो है आपके लिखे गए हैं शब्द,
आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरीके से जो है यहाँ पे आपकी चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद जो है इसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया गया है, ठीक है। क्या है इसमें? इसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस भी पाया गया है और साथ ही में इसमें जो है आपका नोट भी मिला है। और नोट में क्या लिखा है आपको पता है? इसमें लिखा है, यदि मिल जाए तो कृपया इससे संपर्क करें, ठीक है। तो अब आप लोग जो है मैसेज करना शुरू कर देना इसे, ठीक है। तो इस पे जो है इन्होंने ये लिखा है, इस तरीके से गिद्ध आया है बच्चे, उस पे जो है ढाका लिखा हुआ है, उस पे जो है आपका एक नोट लिखा हुआ है और नोट पे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी को ये मिलता है तो उसे जो है संपर्क करना है इस वाली वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका क्या है, ढाका बांग्लादेश भारत के जो आपके रिलेशंस है अभी ना, उसके कारण आप लोगों ने भी देखा होगा इसको जो है आपका न्यूज़ वालों ने बड़े बढ़ चढ़ करके जो है आपका दिखाया था। तो फिलहाल थोड़ा सा इतना याद रखना कि कहाँ पर पाया गया है, झारखंड के हजारीबाग जिले में पाया गया है, ठीक है। इतना जो है हमारे काम का है झारखंड के हजारीबाग जिले में। अब जो है आपके शॉर्ट न्यूज़ हैं, सबसे पहले जो शॉर्ट न्यूज़ है वो है बच्चे इससे रिलेटेड। ये क्या दिख रहा है आपको? ये पानी है, पानी जो है आपका नर्मदा नदी का पानी है और इसके ऊपर आपको दिख रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी सोलर प्लेट्स हैं जो कि पानी के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या बना है बच्चे? ये बना है एक सोलर पार्क, ठीक है। और इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और मध्य और उत्तर भारत में, ठीक है, अभी तक का जो आपका मिडिल इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हो गई है, ठीक है, काम करने से शुरू कर दिया है। और ये कहाँ पे बना है बच्चे? ये ओंकारेश्वर है, ये जो जगह है मध्य प्रदेश में, इस जगह का नाम है ओंकारेश्वर। और लगभग इसकी जो कैपेसिटी है वो है आपके 90 मेगावाट, ठीक है, 90 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। और यह भारत की सबसे बड़ी सौर पार्क होगी या फिर मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना होगी, ठीक है। इसकी कैपेसिटी आपको पूछी जा सकती है, तो याद रखना। और ओंकारेश्वर बच्चे ये जो आपका डैम है ना, ओंकारेश्वर जो है आपका लेक है, और ये किस नदी पे बना हुआ है? ये आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। बाकी जो इसकी खासियत है, जो सोलर पार्क बना है, जो सोलर परियोजना बनी जो है, इसकी खासियत ये है कि उत्तर और मध्य भारत का ये अभी तक का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला क्या है, एक सोलर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी पूछी जा सकती है 90 मेगावाट है। अगली जो शॉर्ट न्यूज़ है बच्चे वो NHPC लिमिटेड से है। NHPC लिमिटेड का पूरा नाम याद रखना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसे कहते हैं। आप लोगों ने डैम देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े बांध जो हम नाम याद करते हैं ना, अधिकतर जो है NHPC के द्वारा ही बनाए जाते हैं और आप लोग फॉर्म भी भरते हैं NHPC का। तो NHPC से रिलेटेड आपकी एक न्यूज़ आई है, राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे। NHPC जो है आपका PSU है और ये बहुत इंपॉर्टेंट PSU भी है, और इसके नए अध्यक्ष के रूप में जो आपका किसी की नियुक्ति की गई है तो वो इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, राजकुमार चौधरी। अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो रिलेटेड है एक अवार्ड से। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कलिंग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसके विनर का नाम कम पूछा जाता है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ से जरूर आ जाता है कि कलिंग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है साइंस के फील्ड में, ठीक है। इसे इसका जो पूरा नाम है वो है आपका यूनेस्को कलिंग प्राइज। अभी हाल ही में क्या हुआ है ना, अभी हाल ही में बच्चे आपका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है हमारे देश का, उसने विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को कलिंग पुरस्कार से अपना योगदान वापस ले लिया है, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल बच्चे जो यूनेस्को कलिंग प्राइज है साइंस के फील्ड में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इस पुरस्कार को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका बीजू पटनायक को। बीजू पटनायक कौन है? बीजू पटनायक जो है अभी जो इससे पहले, अभी तो उड़ीसा में सरकार बदल चुकी है, BJP की गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन इससे पहले जो है आपका जो नवीन पटनायक जो है यहाँ के CM थे, ठीक है। तो नवीन पटनायक के जो पिता हैं बीजू पटनायक, ठीक है, उनके द्वारा बच्चे आपका शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा मिल करके। और इसमें जो पैसा दिया जाता है, इसमें आपका तीन कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक आपका यूनेस्को का है, एक आपका उड़ीसा की गवर्नमेंट है, और एक हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है, केंद्र का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इनका यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो हाल ही में जो है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, जो हमारा सेंटर का है, उनके द्वारा जो है अपना जो सपोर्ट है, अपना जो योगदान है, वो वापस ले लिया गया है। इसके बाद में जो नवीन पटनायक थे, पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के, उनके द्वारा जो है आपका इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसमें और क्या डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि कलिंग पुरस्कार के साथ में यही हुआ है, ठीक है। और कलिंग पुरस्कार सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया था? 1952 में आपका ये दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर विनर का नाम कभी पूछा जाता है, लेकिन आपको पूछा जाएगा कौन से फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अगले बच्चे ये देखिए न्यूज़, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, पत्थरों से बना हुआ एक खंडर से दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पत्थर पे जो है इंस्क्रिप्शन दिख रहे होंगे, कुछ कुछ यहाँ पे ये
चित्र बने हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये जो चित्र बने हैं ना, इसे कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है। ठीक है, ये क्या है, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है। तुर्की के एक प्राचीन स्थल, इस स्थल का नाम है गोबेकली टेपे। ठीक है, कहाँ पे है, तुर्की में है, और तुर्की का प्राचीन स्थान गोबेकली टेपे, यहाँ पे जो है पुरातत्वविदों के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। ये जो आपको पत्थर पर लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसे जो है हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है। ठीक है, और उस कैलेंडर को बताया जा रहा है कि लगभग 13,000 साल पुराना है। ठीक है, और गोबे के लिए टेपे बच्चे ऑलरेडी जो है यहाँ पे एक फेमस प्लेस है। ठीक है, गोबे के लिए टेपे को अधिकतर लोग जो है, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है, क्या कहा जाता है, दुनिया का सबसे पुराना या फिर दुनिया का पहला मंदिर जो है इसे माना जाता है। ठीक है, तो गोबे के लिए टेपे कहाँ पर है आपको पूछा जा सकता है, तुर्की में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर जो है आपका दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर मिला है। साथ ही में गोबे के लिए टेपे को जो है दुनिया का पहला मंदिर भी कहा जाता है या फिर दुनिया का सबसे पुराना मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, तुर्की में है ये जगह बच्चे। ठीक है, कहाँ पे है, तुर्की में है। अगली जो न्यूज़ है ये आ रही है आपकी डायरेक्ट जापान से। डायरेक्ट बच्चे, जापान के जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री है ना, ये अब छोड़ने वाले हैं अपनी जगह। तो फ्यूमियो किसदा जो है, अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस जो है इनके खिलाफ चल रहे हैं। तो इन्होंने एक डिक्लेरेशन की है, इन्होंने घोषणा की है कि ये जो है अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सेप्टेम्बर जो है इनका लास्ट महीना होगा, सेप्टेम्बर के बाद जो है आपका कोई नया व्यक्ति चुना जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे कि जापानी प्रधानमंत्री फ्यूमियो किसदा, इन्होंने कहा है कि सितंबर में वो अपना पद छोड़ देंगे। और उसके बाद में जो इनकी पार्टी है, पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है एक नया लीडर चाहिए होगा जापान के प्रधानमंत्री पद के रूप में। ठीक है, तो ये जो है जापान से न्यूज़ आई है। अगली न्यूज़ आपके कहाँ से आई है, ये आई है आपकी साइंस एंड टेक से। तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि बच्चे डेंगू का प्रकोप जो है शुरू हो चुका है ना, जुलाई के बाद जब आपका बरसात का महीना, बीच बीच में जो आपकी ह्यूमिडिटी और गर्माहट दोनों जो साथ में ये वाला जो मौसम बनता है ना, यहाँ पे जो है डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं और हर साल जो है आपकी बहुत सारी मौतें जो है डेंगू से होती हैं। तो इस बार जो है आईसीएमआर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है बच्चे। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है पेनेसिया बायोटेक के साथ में मिल करके इन्होंने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन बना दी है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है, इसका नाम है डेंगीऑल। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम डेंगीऑल रखा गया है, और ये जो है भारत में बनी पहली डेंगू के लिए वैक्सीन है। और दूसरा, आईसीएमआर के बारे में इतना याद रखना कि इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो अभी जो है वैक्सीन तो बन चुका है, लेकिन अभी जो है इसके बच्चे फेजेस चल रहे हैं। ऑब्वियस बात कि जब भी कोई नया ड्रग बनाया जाता है, नई वैक्सीन बनाई जाती है, तो पहले क्या होते हैं, उसके परीक्षण होते हैं, पहले उसके टेस्ट होते हैं कि इंसान पे काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो जो है अभी आपका थर्ड फेज में है अपना। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से अभी आईसीएमआर के द्वारा कहा जा रहा है कि थर्ड फेज क्रॉस करने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से जो है आपका सेफ होने वाला है। तो बहुत जल्दी ये मार्केट में देखने को मिलेगा और लोग जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो डेंगीऑल का नाम याद रखना बच्चे, भारत में बनाई गई, पूरी तरीके से भारत में बनी हुई डेंगू के लिए पहली वैक्सीन है। ठीक है, नाम क्या है इसका, डेंगीऑल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो आज की बड़ी खबरें, छोटी खबरें सभी जो है आपकी समाप्त हो गई हैं। छोटी खबरों को छोटी नहीं समझना है, ये नहीं सोचना है कि छोटी खबरें हैं तो भूल जाइए। ठीक है, भूलना नहीं है बच्चे। और ओलंपिक से रिलेटेड जो है एक सेपरेट सेशन मैंने ले लिया है ऑलरेडी, तो आप लोग जहाँ पे ये वीडियोज़ देखते हैं वहीं पर जो है उसी सेक्शन में आपको ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसकी PDF नहीं मिलेगी, इसीलिए वहाँ पर जो भी पॉइंट आपको ऐसे लगते हैं जो नहीं बताए मैंने डेली बेसिस पे वाले सेशन में, तो वो जो है नोट कर लेना उन्हें। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। बहुत बड़ा इवेंट होता है आपका ओलंपिक। ठीक है, हमारे लिए बड़ा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं पुट होंगे वहाँ से, क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे और अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है पूरी तरीके से। जो ओलंपिक शुरुआत से लेकर के हमने पढ़ा था, ओलंपिक में जो चला है, ओलंपिक खत्म होने के बाद में जो हमने पढ़ा है, सारा का सारा जो है आपको एक ही जगह उसको लिख लेना है और उसके बाद में उसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ओलंपिक से रिलेटेड जो है न्यूज़, ओलंपिक से रिलेटेड जो आपकी वीडियो है वो भी आ चुकी है। अब तो पैरालंपिक स्टार्ट होगा, फिर हम पैरालंपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी RRB JEE की प्रिपरेशन आप लोग अगर कर रहे हैं तो मेक इट इज़ी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। जो सिविल वाले बच्चे हैं, मेक इट इज़ी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। नॉन टेक के लिए बच्चे कंप्लीट CBT 1 CBT 2 की प्रिपरेशन चल रही है, लाइव क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी जो आपका कोर्स भी खत्म होने वाला है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसके बाद में जो है एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करवाया जाएगा। तो एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा दोनों ही मोबाइल एप्लीकेशन पर, जो सिविल वाले बच्चे हैं सिविल वाले पे, जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं मैकेनिकल वाले पे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन को यहीं
साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।